एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां होती है भूतों की पूजा। यहां भूत करते हैं पूजा, शाम 7 बजे के बाद यहां कोई नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। क्या कभी आपने भूतों के मंदिर को देखा है या कभी भूतों को पूजा करते हुए पाया है? अगर जवाब नहीं है तो आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे मंदिर के अंदर जो अपनी कई विशेषताओं के कारण हमेशा देश और विदेश में चर्चा में शुमार रहता है। ये विशालकाय मंदिर उत्तर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर का निर्माण महान गुप्तकालीन शासकों द्वारा किया गया था, जिसमें अब कोई मूर्ति नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दीवारें हैं। कानपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुप्तकालीन ये मंदिर शहर की 60 पुलिस चौकियों के पास भीतर गांव में मौजूद है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। आज से करीब 1500 वर्ष पूर्व यहाँ की दशा कुछ और ही रही थी। कहते हैं कि अमावस की एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इस मंदिर के अंदर भगवान की कोई मूर्ति ना होने से आधुनिक काल में इसे भूतों वाले मंदिर की संज्ञा दी गई। 5वीं और 6वीं शताब्दी में बना ये मंदिर इतिहासकारों की नजर में पूरे उत्तर भारत में सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिर और मंडप की लंबाई 47 फीट है और चौड़ाई 36 फुट। ये मंदिर 18 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी और 3 इंच मोटी ईंटों से बना है। 6 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद एक छोटी कटोरी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6 फीट बताई जाती है। इस मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं। सन 1850 में मंदिर का ऊपरी भाग बिजली गिरने के कारण टूट गया था और बाद में अनदेखी में 1894 में मंदिर का ऊपरी मंडप गिर गया। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर मन को लुभाने वाली कलाकृतियां बनाई गई हैं। इतिहासकार बताते हैं कि पूर्व में इस मंदिर में विविध पूजा और पाठ किया जाता रहा है, लेकिन मुगलों के शासन के अंतिम चरण में इस मंदिर की अष्ट धातुओं की बेशकीमती मूर्तियां लूट ली गई और लगभग 350 वर्ष से इस मंदिर में मूर्तियां नहीं है। साथ ही मूर्तियां ना होने पर ऐसा कहा जाने लगा कि यहां से गुजरने वालों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों ने अपने बच्चे को यहां जाने से रोकना शुरू किया तो रात में खुद जाने से कतराने लगे। पास में ही रहने वाले राजेश मिश्रा बताते हैं कि गांव के लोगों को रात में अभी भी आवाजें सुनाई देती हैं कि आखिर किस तरह भूत यहां धूमधाम से पूजा करते हैं और अपने देवताओं को खुश करते हैं। इस मंदिर में पुरातत्व विभाग का एक कर्मचारी तैनात है। शाम को 7 बजे के बाद इस मंदिर के अंदर जाने से हर किसी को रोका जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि शाम को भूत यहां आते हैं और पूजा के समय कोई भी अंदर नहीं जाता। अगर कोई भी जाता है तो वो वापस नहीं आता, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण लोगों से बात करने पर नहीं मिला। तो दोस्तों, क्या आप इस मंदिर के अंदर जाना चाहेंगे? अगर जाना चाहेंगे और जाना चाहते हैं तो दिन या सुबह के समय शाम को 7 बजे के बाद मौत को दावत देने जैसा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।